अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका मान क्या है, बहुत समय लगेगा आपको निकालने में। ये बहुत खास नंबर है, एक से लेकर नौ तक के सारे नंबरों को पहले ऐसे लिखा गया है, फिर एक से लेकर नौ तक सारे नंबरों को इस प्रकार लिखा गया है। इसको डिवाइड करने में समय व्यर्थ ना करो, हम बता रहे हैं आपको कि इसकी वैल्यू क्या है। इसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली में आठ के बहुत करीब होती है। इसको हमेशा आप कैलकुलेशन में एट मान के कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, अगर आप लिखना शुरू करोगे तो दशमलव के बाद पहले सात जीरो जब आप लिखोगे तो पहली नॉन जीरो डिजिट जो आएगी आपकी वो सेवन को अप्रोक्सीमेट करेगी, और आगे क्या है डॉट 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 डॉट, मतलब बहुत सारी डिजिट इसमें आने वाली है। तो आपके एग्जाम में अगर कोई भी सवाल आया तो आप इसको एट मान के बेहिचक सॉल्व करिए। ये बहुत ही स्पेशल सीक्वेंस है, इस मान को हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे ही मैथमेटिकल इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए रैमो मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।